अपना नाम बताइए। संतोष गुप्ता। संतोष जी, ये काम क्या क्या बेचते हैं पहले आप ये मुझे बताएं। बेकरी के बिस्किट, नमकीन। ये नमकीन है। टॉफी, बर्थडे का सामान, ग्लास, दोना पत्तल, पोलोथीन। ये सारा आप बेचते हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 11 साल। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई इस काम को करने में? कोई भी नया काम खोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो आती। जैसे क्या हुआ था? अब दुकान चल नहीं रही थी, लोन लेके फिर दुकान खोली तो धीरे धीरे लोन। लोन सरकार ने दिया था या प्राइवेट लिया था? प्राइवेट लोन लिया था। 5% पे। अच्छा अच्छा, कितने परसेंट पे? 5% पे। 5% मंथली तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें, जरूरत थी। 30,000 लिए थे, 30,000 से धीरे धीरे ये धीरे धीरे क्या। आपके इस बिजनेस में और कोई सपोर्ट करता है आपको? तो कितना महीने का निकल जाता है? घर का चाय पानी और साग सब्जी आ जाती है, वही बहुत है। घर बैठे और क्या करें। अच्छा अच्छा, कौन सा आने लगा किस तरह में? हाँ, ये कितने का है? ये 50 रुपीस का। 50 रुपीस का है। ठीक है। और आज की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहें आप? आज की महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी, घर में बैठ के खाली बैठने से अच्छा या तो अपना कुछ बाहर जाके काम करो, या फिर अपने घर में ही थोड़ा बहुत जो हो सके आदमियों को सपोर्ट करो और बाल बच्चों को देखो और काम के प्रति। ठीक है। ये आपकी अपनी दुकान है किराए की है? आपकी अपनी दुकान है? पहले किराए पे थी। अच्छा, बच्चे सब सपोर्ट करते हैं आपको? बच्चे भी करते हैं, हस्बैंड भी सब। तो बच्चे कौन कौन सी क्लास में है? बड़ी वाली 12th में, छोटी वाली 11th में, ये 7th में। अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे? मेरा सपना बच्चों को अच्छा आगे चलता रहे। सर, आपकी दुआ चाहिए। और आपने अच्छा मैसेज दिया लोगों को कि काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, घर में बैठ के खाली नहीं रहना चाहिए। अपना पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ, और बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करो। नहीं, और भी बहुत चीजें हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।